अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है लेवल 6 डिप्लोमा आईडी पोस्ट का। हम डिस्कस करेंगे यूनिट 1A3, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। और इसमें हमारे पास हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम में कुछ चीज़ें OHSMS और 5001 स्टैंडर्ड के वाले से, फिर ये HSD 65 है जो कि सक्सेसफुल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है। ये बेसिकली गाइडेंस डॉक्यूमेंट भी है, HSD 65। तो इसके मुताबिक एक हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम किस तरह से काम करता है या किस तरह का होना चाहिए, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले HSES मैनेजिंग फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी में हमारे सामने आया है PDCA साइकिल, प्लान डू चेक एक्ट। इसमें मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मैं ये बताता चलूँ, इसको PDCA को मैनेजमेंट टूल बोला जाता है। इस मैनेजमेंट टूल के जो इसके अलावा नाम हैं या मुख्तलिफ नाम हैं, उनमें PDCA साइकिल के अलावा OPDCA, ऑब्जर्वेशन प्लान टू चेक एक्ट, PDSA प्लान टू स्टडी एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद शेवर्ड साइकिल, क्योंकि 1925 में ये साइकिल जो था या ये जो टूल था मैनेजमेंट का, ये शेवर्ड क्वालिटी एक्सपर्ट ने दिया था। उसके बाद इसका पांचवा नाम जो है वो है डेमिंग साइकिल, क्योंकि 1974 में क्वालिटी ही के एक एक्सपर्ट डेमिंग ने इसके ऊपर मजीद काम किया, तो इसलिए साइकिल को डेमिंग साइकिल भी कहा जाता है। लेकिन नॉर्मली किसी भी मैनेजमेंट में पढ़ते हुए, पढ़ाते हुए या इम्प्लीमेंटेशन करते हुए इसको एज अ PDCA प्लान डू चेक एक्ट ही कंसीडर किया जाता है। अब इसमें प्लान से मुराद क्या है? तो प्लान में पहली चीज़ है डिटरमाइनिंग द पॉलिसी, के पॉलिसी क्या होगी, हमने डेवलप करनी है कि पॉलिसी है क्या, उसकी स्टेटमेंट ऑफ कंटेंट क्या होगा, उसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होगा और उसका अरेंजमेंट सेक्शन कैसा होगा। देन प्लानिंग फॉर इम्प्लीमेंटेशन, और उसके बाद जो पॉलिसी में हमने चीज़ें डिटरमाइन की हैं वो हमने प्रैक्टिकली कैसे परफॉर्म करनी है। देन डिटरमाइनिंग द पॉलिसी, सी राइटर नोट्स ऑन लीगल रिक्वायरमेंट फॉर अ पॉलिसी, वो हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे पूरा पॉलिसी के टॉपिक में। द पॉलिसी सेट्स अ क्लियर डायरेक्शन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू फॉलो, मतलब जनरल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट, इट शुड बी शेयर थ्रू आउट द वर्क फोर्स। ये आर्टिकल नंबर 14C155 के मुताबिक ये बता रहा है कि भाई उसको हमने शेयर भी करना है थ्रू आउट द वर्क फोर्स। इट इज बेस्ट रिटन बाय समवन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन रादर देन समवन फ्रॉम आउटसाइड। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही टॉप मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इसको डेवलप करवाए। इट शुड बी रिटन इन कंसल्टेशन विद द वर्क फोर्स एंड साइन बाय अ पर्सन एट द टॉप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और उसके बाद ये जो है, ये रिटर्न जो लिखी जाएगी वो कंसल्टेशन विद द वर्कफोर्स, वर्कफोर्स के अब हर बंदे से पूछना मुमकिन नहीं होता, तो उसमें जो वर्कर रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको इसके अंदर इन्वॉल्व किया जाता है। इन्वॉल्व करने के बाद उनसे इसके मुतालिक जो है, इन्वॉल्व करने के बाद उनसे कंसल्टेशन की जाती है और फिर इसको इस्टेब्लिश किया जाता है। असाइंड बाई अ पर्सन एट द टॉप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये लाजमी इसलिए है क्योंकि अगर लोअर मैनेजमेंट में या मिडिल मैनेजमेंट में कोई भी इंडिविजुअल इसको साइन करता है तो इसकी वो इफेक्टिवनेस नहीं होगी, क्योंकि इवन बराबर वाले उसको मानने के लिए तैयार नहीं होंगे कि ये हमारे साथ का बंदा है और इसने इसको साइन किया है तो हम भी इसके बराबर हैं, तो ये हमारे ऊपर लागू नहीं होती। तो टॉप मैनेजमेंट से हमेशा इसलिए साइन कराई जाती है ताकि पूरी ऑर्गेनाइजेशन उसको माने, तस्लीम करे। अब जो प्लान का दूसरा पार्ट था, प्लानिंग फॉर इम्प्लीमेंटेशन, कि आपके पास पॉलिसी आ गई, रूल्स एंड रेगुलेशन सब चीज़ें आ गई हैं, तो आपने उन सब की सबको इम्प्लीमेंट भी करना है। कैसे? डिजाइनिंग मैनेजमेंट अरेंजमेंट्स, रिस्क कंट्रोल सिस्टम्स एंड वर्क प्लेस प्रिकॉशन, ऑपरेटिंग एंड मेंटेनिंग द सिस्टम, लिंकिंग इट टू द मैनेजमेंट ऑफ अदर एस्पेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये जो मैनेजमेंट का टूल है प्लान टू चेक एक्ट, मतलब आपका जो हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है, आप इसको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मौजूद दूसरे सिस्टम से लिंक करेंगे। क्यों? क्योंकि हर सिस्टम के साथ हेल्थ एंड सेफ्टी लाजमी है। एस्टैब्लिश वेयर द ऑर्गेनाइजेशन इज नाउ, वेयर इट नीड्स टू बी एंड एक्शंस नेसेसरी, एक्शंस गिवन फॉर लीडर्स एंड मैनेजर्स, के उन्होंने
क्या करना है, कैसे करना है, तो उन लोगों का भी। क्यों? क्योंकि टॉप मैनेजमेंट की कमिटमेंट किसी भी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर लाजिम है। देन वी हैव डू प्लान। प्लान में दो चीजें हमने डिस्कस की, डिटरमाइन द पॉलिसी एंड सेकंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान जो थी। अब इधर यहाँ पे आए तो डू आ गया, सेकंड फेज जो हमने काम करना है, प्रोफाइलिंग हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क, ऑर्गेनाइजिंग फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी, इंप्लीमेंटिंग द प्लान। ये तीन चीजें, प्रोफाइलिंग हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क कि क्या है, हाई क्या है, लो क्या है, मीडियम, ऑर्गेनाइजेशन फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी कि फिर आप उसको ऑर्गेनाइज कैसे करें, और इंप्लीमेंटिंग द प्लान, प्रोफाइलिंग हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क, रैंक रिस्क एंड प्रायोरिटाइज कंट्रोल। ठीक है, कि आप उसको रैंक करें, लो है, हाई है, मीडियम है, और फिर उसी के मुताबिक आप हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल को सामने रखते हुए उसको इंप्लीमेंट करेंगे। कंसीडर क्वालिटी एंड इन्वायरमेंटल रिस्क आल्सो। क्यों? क्योंकि वो एड अप होते हैं इस सिस्टम के साथ। रिस्क प्रोफाइलिंग कंसीडर लाइकलीहुड एंड पोटेंशियल कॉस्ट ऑफ रिस्क एंड द इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल। अब रिस्क प्रोफाइलिंग कंसीडर क्या करेगी, लाइकलीहुड होने के इम्कान क्या हैं, और अगर कुछ हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है इन आपका, तो उस सूरत में आपको पोटेंशियल कॉस्ट क्या जो है ना पड़ सकती है। तो आपने इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल भी देखनी है कि जो कंट्रोल मेजर एग्जिस्टिंग है या जो हम अप्लाई करने जा रहे हैं ये इफेक्टिव कितने होंगे। रिस्क असेसमेंट डेल्ट विद इन यूनिट 1A5 में हम पूरा टॉपिक है रिस्क असेसमेंट का, क्योंकि अभी हम 1A3 डिस्कस कर रहे हैं, तो 1A5 में हम उसको बड़ी डिटेल में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अब जी ऑर्गेनाइजिंग फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी, इसमें आपने 4C याद रखना है कि जब आप ऑर्गेनाइज कर रहे होंगे हेल्थ एंड सेफ्टी में, तो आपने कंट्रोल, कोऑपरेशन, कम्युनिकेशन एंड कॉम्पिटेंस को वहां पर देखना है। कंट्रोल किस चीज का, क्लियर विजिबल लीडरशिप एट ईच लेवल, इफेक्टिव सुपरविजन, मतलब कि हर लेवल के ऊपर जब लीडरशिप बैठी होगी वो हर लेवल के ऊपर सुपरविजन कर रही होगी, तो उसी से ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका जो स्ट्रक्चर है उसका जो पूरा एक जो सिस्टम बना हुआ है तो वो कंट्रोल्ड रहेगा। कोऑपरेशन, वर्कर इन्वॉल्वमेंट, कोऑपरेशन ये है कि आप हर बात सिर्फ वर्कर को इन्फॉर्म ना करें, बल्कि कोऑपरेशन में क्या है कि वर्कर को इन्वॉल्व करें, उसकी इनपुट्स लें तब कोई डिसीजन लें। कम्युनिकेशन, पासिंग ऑन इंफॉर्मेशन, और कम्युनिकेशन में क्या है कि जो चीज़ें आपने डिसाइड की पॉलिसी में, प्लानिंग में, इम्प्लीमेंटेशन करने जब जाएंगे तो आप कम्युनिकेट करें, आप अपने पास रख के कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, आप अपने पास रख के कुछ भी नहीं कर सकते, आपने इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करनी है, और कम्युनिकेट करके सिर्फ इन्फॉर्म नहीं करना बल्कि उनका भी फीडबैक लेना है ताकि चीजें सामने आए। देन कॉम्पिटेंस बहुत ज्यादा मैटर करती है, एक्शन टू इंश्योर एडिक्वेट ट्रेनिंग। तो कॉम्पिटेंस में बेसिकली हमारे पास चार चीजें आती हैं। कैट एब्रिविएशन है, के फॉर नॉलेज, ए फॉर एबिलिटी, टी फॉर ट्रेनिंग एंड ई फॉर एक्सपीरियंस। तो ये चार चीजें जब उसके अंदर शामिल होती हैं तो ये चार चीजें मिल के कॉम्पिटेंस बनाती हैं। तो इसलिए ऑर्गेनाइजिंग फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी में मतलब हर लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट का कंट्रोल हो, कोऑपरेशन हो वर्कर के साथ, कम्युनिकेशन प्रॉपरली हो, और चौथी चीज कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस पे टॉप मैनेजमेंट से लेके छोटे से छोटे जनरल वर्कर तक होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सुपरवाइजर या मैनेजर से नहीं पूछा जाएगा, हेल्थ एंड सेफ्टी में जिसको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है वो ऑटोमेटिकली अकाउंटेबल होता है। तो इसलिए हम उसको यहाँ पर हर लेवल पे डिस्कस करते हैं। इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, कि जो आपकी पॉलिसी थी, जो आपकी प्लानिंग थी, अब आप उसको इम्प्लीमेंट करते हुए क्या करेंगे। लीडर्स टू एड्रेस ह्यूमन फैक्टर इशू, तो लीडर है जो टॉप मैनेजमेंट है वो ह्यूमन फैक्टर्स के जो इशू उनको एड्रेस करेगी। रिसोर्सेज टू बी मेड अवेलेबल, प्रोविजन ऑफ रिसोर्सेज मतलब तमाम तर रिसोर्सेज मुहैया करें। डॉक्यूमेंटेशन टू बी केप्ट बट द मिनिमम नेसेसरी, आप वो वहां पे डॉक्यूमेंटेशन भी प्रॉपर हो लेकिन जितनी जरूरी है उतनी। टाइम स्केल्स एग्रीड विद द वर्क फोर्स, अब टाइम स्केल जो है वो एग्री करना है वर्क फोर्स से। हमारे यहाँ क्या होता है कि इन्फॉर्म कर दिया जाता है ये काम इतने अरसे में करना है, और वर्क फोर्स से कंसल्ट ही नहीं किया जाता जिन्होंने प्रैक्टिकली इसको परफॉर्म करना है, जो रियल टाइम स्केल दे सकते हैं। तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है
कि जब आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो टाइम स्केल जो है ना वो आप माइंड में रखेंगे या वो आप रखेंगे जो आप वर्कर के साथ डिस्कस कर चुके हैं या एग्री कर चुके हैं। क्लियर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्रोग्रेस टू बी मेजर्ड अगेंस्ट परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, यूज द रिजल्ट्स ऑफ रिव्यूज टू फीड इन टू द फ्यूचर ट्रेनिंग प्लान। जो फिर रिव्यूज आएंगे उनको आप फ्यूचर ट्रेनिंग में या आपके जो फ्यूचर आप कोई नए जो इकदाम करना चाह रहे हैं, नई बेहतरी लाने के लिए कुछ कर रहे हैं, तो उसमें ऐड अप होंगे। अब जी चेक आ गया, प्लान हमने डिस्कस किया, डू चेक किया, डू डिस्कस किया, अब हम चेक तीसरा जो है पीडीसीए साइकिल का उसको हम चेक करने जा रहे हैं, ठीक है, डिस्कस करने जा रहे हैं। उसमें क्या है, मेजरिंग परफॉर्मेंस, इन्वेस्टिगेटिंग एक्सीडेंट्स एंड इंसिडेंट। मेजरिंग परफॉर्मेंस क्या है कि आपको कोई काम दिया गया, वो काम आपने कर दिया, अब वो काम आपने अच्छा किया या बुरा किया, तो उसको मेयर करना जो है वो मेयरिंग परफॉर्मेंस है। उसके बाद एक्सीडेंट्स हुए, इंसिडेंट्स हुए, तो उनको इन्वेस्टिगेट करना और वो किस तरीके से किए जाएंगे। मेयरिंग परफॉर्मेंस में दो अप्रोच काम करेंगे, एक एक्टिव मॉनिटरिंग में और एक रिएक्टिव मॉनिटरिंग। एक्टिव में क्या होता है कि आप एक्सीडेंट्स इंसिडेंट्स के होने से पहले पहले उनको दुरुस्तगी की जानिब लेके जाते हैं, ठीक है। आप मॉनिटरिंग ऐसी करते हैं कि एक्सीडेंट इंसिडेंट होने से पहले पहले आप चीज़ों को बांप लेते हैं, चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उनकी दुरुस्तगी करते हैं। जबकि रिएक्टिव मॉनिटरिंग में क्या होता है कि आप जो हो चुका होता है उसको मेजर करते हैं, भाई वो क्या हुआ उसके बाद, और रिएक्टिव में ज्यादातर आप फेलियर को ही मेजर कर रहे होते हैं, ठीक है जी। कि मतलब कुछ होने के बाद जब आप उसको रिव्यू लेंगे, उसकी परफॉर्मेंस चेक करेंगे, तो वो रिएक्टिव होगी। एक्टिव मॉनिटर डिजाइन डेवलपमेंट इंस्टॉलेशन एंड ऑपरेशन ऑफ मैनेजमेंट अरेंजमेंट रूटीन इंस्पेक्शन इज अ पार्ट ऑफ एक्टिव मॉनिटरिंग, हेल्थ सर्विलियंस इज अ पार्ट ऑफ एक्टिव मॉनिटरिंग, प्लांट फंक्शन चेक रेजिम्स फॉर की पीसेज ऑफ प्लांट, ठीक है। प्लांट फंक्शन चेक के जो अपना फंक्शन चल रहे हैं ना, किसके की पीसेज ऑफ प्लांट, प्लांट के अंदर मुख्तलिफ फंक्शंस चल रहे हैं, तो उसमें चेक रिजीम्स हैं, चेक करने के मेथड्स हैं, ठीक है। तो वो जो एक प्रोसीजर चल रहे होते हैं कि चेक करने के कि मशीनरी या प्लांट में कोई डिफेक्ट्स वगैरह ना आए, वो प्रॉपरली परफॉर्म कर रहे हैं, तो इन सारों को हम क्या करेंगे कि हम इनको कंसिडर करेंगे एक्टिव मॉनिटरिंग में, और बाद में हम इंशाल्लाह एक्टिव मॉनिटरिंग के टूल पे बड़ी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। रिएक्टिव क्या, मॉनिटर एविडेंस ऑफ पुअर हेल्थ एंड सेफ्टी प्रैक्टिस, इन्वेस्टिगेटिंग एक्सीडेंट्स एंड इंसिडेंट, मॉनिटरिंग केसेस ऑफ इल हेल्थ एंड सिकनेस एब्सेंस, मतलब जो कुछ हो गया है उसको मॉनिटर कर। इन्वेस्टिगेटिंग एक्सीडेंट में हम बड़ी डिटेल में स्टडी करेंगे 1B16 जो हमारा टॉपिक होगा इंशाल्लाह, उसमें बड़ी डिटेल में इसको डिस्कस भी करेंगे। रिव्यू ऑल एक्सीडेंट टू प्रिवेंट रिकरेंस, मतलब के एक्सीडेंट को रिव्यू किया जाएगा कि उनके रूट कॉजेस क्या हैं, उनके इमीडिएट कॉज क्या हैं, ताकि मुस्तकबिल में आने वाले वक्त में हम उनको दोबारा होने से रोक सकें। एग्जामिन ऑल नियर मिस रिपोर्ट, नियर मिस क्या है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि नियर मिस ऐसा अनप्लान अनवांटेड अनडिजायर्ड इवेंट है जिसके अंदर पोटेंशियल तो था नुकसान पहुंचाने का लेकिन उसने नुकसान नहीं किया, तो ऐसी सूरत में हम इंसिडेंट नियर मिस रिपोर्ट्स भी बनाते हैं ताकि अब की बार सर्कमस्टांसेस चेंज होने की वजह से कुछ नहीं हुआ, तो नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो कि सर्कमस्टांसेस चेंज हो तो नियर मिस भी एक्सीडेंट में कन्वर्ट हो जाए। लुक एट रूट और अंडरलाइन कॉजेज, मेक रिपोर्ट्स अवेलेबल टू एवरीवन। अब जी लास्ट हमारे पास आया है एक्ट, प्लान डू चेक एक्ट के बाद हम प्लान डू चेक के बाद हम पहुंचे हैं एक्ट पे। अब हम डिस्कस करते हैं एक्ट क्या है, रिव्यू योर परफॉर्मेंस, ठीक है, आप अपनी परफॉर्मेंस का रिव्यू लेंगे, देन टेक एक्शन और लेसन लर्न, और फिर जो आपने सबक सीखा है तो उसकी दुरुस्तगी कैसे की जाएगी, उसको कैसे आप पॉजिटिवली लेते हुए एज अ
इम्प्रूवमेंट अपॉर्चुनिटी आई हो लेते हुए आप उसको कैसे दुरुस्त करेंगे। रिव्यू योर परफॉर्मेंस, रिव्यू परफॉर्मेंस करने के लिए मुख्तलिफ इंडिकेटर्स हैं हमारे पास जिनको हम कंसिडर करते हुए परफॉर्मेंस का रिव्यू ले सकते हैं। रिजल्ट्स ऑफ एक्टिव एंड रिएक्टिव मॉनिटरिंग क्या है, ठीक है। एक्सीडेंट इंसिडेंट नियर मिस डाटा क्या है, ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स क्या हैं, इंस्पेक्शन रिकॉर्ड्स क्या हैं, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स क्या हैं, रिस्क असेसमेंट्स क्या हैं, न्यू गाइडेंस क्या है, इश्यूज रेज बाय वर्कर आर देयर रिप्रेजेंटेटिव, चेक्स रिक्वायर्ड बाय लॉ, एग्जांपल ऑन लिफ्टिंग इक्विपमेंट एंड प्रेशर सिस्टम। मतलब ये तमाम तरह चीज़ें हम कंसीडर करेंगे कब, जब हम परफॉर्मेंस रिव्यू कर रहे होंगे। जिस तरह अब हम कहते हैं एक्सीडेंट इंसीडेंट रेट, अब एक्सीडेंट इंसीडेंट रेट जो है वो अगर बढ़ा है तो मतलब हमारी परफॉर्मेंस पुअर हुई है, और अगर वो गिरा है तो हमारी परफॉर्मेंस उसके अंदर बेहतर हुई है, ठीक हो गया जी। तो इस तरह से हम देखेंगे, रिस्क असेसमेंट्स को देखेंगे, पहले तो ये देखेंगे जितनी नंबर ऑफ रिस्क असेसमेंट रिक्वायर्ड थी वो हुई भी है कि नहीं, फिर जो रिस्क असेसमेंट परफॉर्म की गई है वो रेलेवेंसी उनकी कितनी है, वो सफिशेंट थी आया, और उसके बाद रेलेवेंसी जो है उसकी मैटर करती है। तो ये सारी चीजें हम रिव्यू परफॉर्मेंस में कंसीडर करेंगे एज अ परफॉर्मेंस इंडिकेटर लेके। टेक एक्शन ऑन लेसन लर्न, फिर जो जो चीजें उसकी आउटपुट पे आई हैं, जो जो चीजें हमारे सामने आई हैं कि ये काम इस तरह से है, इस तरह से हम उसको करेक्ट कर सकते हैं, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट अपॉर्चुनिटी मौजूद है, तो देन हम एक्शन लेंगे, ठीक है। ऑफन सिस्टम्स आर इन प्लेस बट नॉट यूज, ठीक है, कई दफा सिस्टम मौजूद होता है लेकिन उसको यूटिलाइज नहीं किया जाता, तो वो फिर हमारे पास बनी बनाई एक एक्शन होता है जिसको हम इन प्लेस होता है लेकिन उसको यूज करना स्टार्ट कर। अंडरलाइन कॉजेज ऑफन बिकॉज अरेंजमेंट्स डू नॉट टेक काउंट ऑफ ह्यूमन फैक्टर्स। अंडरलाइन कॉजेज बहुत दफ़ा इस वजह से सामने आती हैं, वो इसलिए होती हैं कि हम ह्यूमन फैक्टर को काउंट नहीं करते हैं अरेंजमेंट के दौरान, जिसकी वजह से हमें इसका सामना करना पड़ता है किसी भी एक्सीडेंट का। ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग अ की एस्पेक्ट ऑफ सेफ्टी मैनेजमेंट, ऑफन बैरियर्स विद इन ऑर्गेनाइजेशन प्रिवेंट ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग, ठीक है, वो उसके अंदर फिर मुख्तलिफ बैरियर्स होंगे। लीडर्स एंड मैनेजर्स नीड टू बी अवेयर ऑफ ह्यूमन फैक्टर, लीडर्स और मैनेजर्स को ह्यूमन फैक्टर्स का मालूम हो और वो उसके लिए अरेंजमेंट्स करें, सिर्फ और सिर्फ मालूम ना हो अरेंजमेंट्स करें, क्योंकि एट द एंड तमाम सिस्टम जो है वो रिलाई कर रहा है उनके एक्ट्स के ऊपर, और अगर आप उनको रिसोर्सेज ह्यूमन रिसोर्सेज को अरेंजमेंट्स में नहीं डालते हैं या ह्यूमन फैक्टर्स को कंसिडर नहीं करते हैं, एड्रेस नहीं करते हैं, तो और ज्यादा अनसेफ एक्ट्स और अनसेफ बिहेवियर आपके आपको फेस करने पड़ेंगे जिनकी वजह से एक्सीडेंट्स और इंसिडेंट्स होंगे। एक्टिव मॉनिटरिंग टूल्स में हमारे पास आता है सेफ्टी इंस्पेक्शन, सेफ्टी टूर्स, सेफ्टी सैम्पलिंग, सेफ्टी ऑडिट, सेफ्टी सर्वेज। अब सेफ्टी इंस्पेक्शन क्या है, अ वॉक अराउंड ऑफ वर्क प्लेस बाय अ कॉम्पिटेंट पर्सन विद विदाउट चेकलिस्ट डिस्कस मैटर्स ऑफ इट, ठीक है। अब क्या है कि ए वॉक अराउंड जो वर्क प्लेस की होती है ना, कि घूम फिर के वो देखता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, इसको बाय कॉम्पिटेंट पर्सन, हर बंदा नहीं जो एक्सपीरियंस होगा जो कॉम्पिटेंट होगा वो, अब वो चेकलिस्ट के साथ भी जा सकता है और चेकलिस्ट के बगैर भी जा सकता है। अब अगर चेकलिस्ट के साथ जाता है तो फायदा ये है कि बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व कर लेगा, और नुकसान ये है कि बहुत सारी चीजें शायद इन प्लेस ही ना हो जिसकी वो चेकलिस्ट बना के ले जाए, और डीमेरिट विदाउट चेकलिस्ट जाता है तो माइट भी पॉसिबिलिटी है बहुत अहम चीजें वो मिस आउट कर रहे हैं, और ये उसका ड्रॉबैक है। और बेनिफिट ये है कि विदाउट उसके जाएगा तो वर्कर को जरा फ्रेंडली एक एनवायरमेंट मिल जाएगा। अब ये सेफ्टी इंस्पेक्शंस करने का पर्पस क्या है, लुकिंग फॉर हैजर्ड्स, ब्रीच ऑफ लेजिस्लेशन, अच्छा ये ब्रीच ऑफ लेजिस्लेशन कैसे होगी, कानून शिकनी कैसे होगी, अनसेफ प्रैक्टिसेस, ब्रेकिंग कंपनी रूल्स एक्सेट्रा सारा कुछ। अब ये ब्रीच ऑफ लेजिस्लेशन या लुकिंग फॉर हैजर्ड जो है ना, बेसिकली आर्टिकल नंबर 16 C155 रिकमेंडेशन R164, तो आर्टिकल नंबर 16 क्या कहता है कि एक एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो वर्कर को फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, एर्गोनॉमिक और जैसे बाकी हैजर्ड से महफूज रखे, ठीक है। तो ऐसी सूरत में ब्रीच ऑफ लेजिस्लेशन हो सकती है।
डिस्कस टाइप्स ऑफ इंस्पेक्शन, रूटीन मेंटेनेंस। अच्छा, इसमें जो रूटीन और मेंटेनेंस है, सबसे पहले जो है ना आपकी, इसमें आपने देखना है क्या है कि एक होती है रूटीन में इंस्पेक्शन, उनको एक होती है मेंटेनेंस की, मेंटेनेंस पर फॉर्म की, तो अब आप इंस्पेक्ट कर रहे हैं। एक होती है इक्विपमेंट इंस्पेक्शन, जनरल वर्क पे सेफ्टी इंस्पेक्शन, ये सारी आती हैं, ठीक है। वेलबीइंग चेकलिस्ट, अब ये क्या है कि किस किस चीज की इंस्पेक्शन होगी, तो 4 P's याद रखने हैं, प्रेमिसेस, प्लांट, प्रोसीजर एंड पीपल। और जब बात होती है सेफ्टी इंस्पेक्शन में, फ्रीक्वेंसी ऑफ सेफ्टी इंस्पेक्शन क्या है, तो याद रखिए कि वो 5 है, डेली, वीकली, मंथली और मंथली, 6 monthly और एनुअल, ये 5 है, ठीक है। जब बात होगी फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्पेक्शन की, तो ये 5 है, डेली, वीकली, मंथली, 6 monthly और एनुअल। आगे जी सेफ्टी टूल, सेफ्टी टूल जो है, अनस्केड्यूल्ड वर्क राउंड ऑफ द वर्क प्लेस, टिपिकली 15 to 20 मिनट्स, टीम अप्रोच इन्वॉल्विंग मैनेजमेंट, मुख्तलिफ लोगों को शामिल करके भाई आज देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इस तरह से। जनरल अप्रेजल, नॉट डिटेल ऑफ सेफ्टी एफर्ट एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। जनरल अप्रेजल क्या होगा कि आप बस देखेंगे, हाँ ठीक है, अच्छा कर, कैसे ये चीज़ बेहतर होगी, ये नहीं वो मतलब, लेकिन डिटेल में नहीं होगा। इमीडिएट इन्फो फॉर मैनेजर्स एंड फीडबैक फॉर सुपरवाइजर, रीस्टेटिंग कमिटमेंट ऑफ बोथ ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। सेफ्टी सैम्पलिंग, सैम्पलिंग बेसिकली मैथ्स की एक ब्रांच है, स्टैटिस्टिक्स, ये उसका टॉपिक है, जिसमें ये टर्म पॉपुलेशन के साथ यूज होती है। पॉपुलेशन ये होता है कि एज अ होल, कि पूरे का पूरा, और सैंपल ये है कि उस पॉपुलेशन में से आप एक हिस्सा निकाल लेते हैं, वो सैंपल में कंसीडर हो, ठीक है जी। अब सेफ्टी सैंपलिंग में ये कॉन्सेप्ट है कि जब बहुत बड़ा नंबर हो, तो हर चीज को जब आप चेक नहीं कर सकते, तो आप उसमें से रेंडमली एक सैंपल ले लेते हैं और उसको चेक करते हैं, तो उसको हम सेफ्टी सैंपलिंग बोलते हैं। ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ रेगुलर रेंडम सैंपलिंग, ऑफन कैरिड आउट वीकली बाई टीम ऑफ सैंपलर्स, फॉलोज प्री डिटरमाइंड रूट्स इन अ वर्कशॉप एरिया, रूट्स विल कवर 90% ऑफ द वर्क प्लेस, रिकॉर्ड डिफेक्ट्स एक्सेट्रा ऑन टू सैंपलिंग चेकलिस्ट, 1 sampler ऑब्जर्वर पर रूट, एक रूट के ऊपर एक ऑब्जर्वर होगा। सेफ्टी सैंपलिंग के बेनिफिट्स क्या हैं जी? मैनेजर्स हैव वीकली पिक्चर ऑफ हैजर्ड पोटेंशियल, कि कितने हैजर्ड्स हैं, जिनका क्या पोटेंशियल है इस टाइम पे, ठीक है, कि किस हद तक वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। सुपरवाइजर्स अवेयरनेस इज इंक्रीज, उसको अवेयरनेस होती है कि क्या चीज़ कहाँ पे है, कब नुकसान दे सकती है, या कौन सी चीज़ ज़्यादा हैजर्डस है। सेफ्टी डिफेक्ट्स आर अटेंडेड टू फ्रीक्वेंटली, और जब सेफ्टी डिफेक्ट्स पता चलते हैं सैंपल के दौरान, तो उनकी दुरुस्तगी की जाती है फौरी तौर पर। ट्रेंड्स आर मोर अपेरेंट, लो कॉस्ट सेफ्टी ट्रेनिंग अचीव, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर आइडेंटिफाइड रेडिली, इंक्रीज स्टाफ इन्वॉल्वमेंट। इससे क्या होगा कि जो टॉप मैनेजमेंट वाले हैं, वो भी कमरों में बैठ के डिसीजन नहीं लेंगे पॉलिसी के, प्लानिंग के, सारी चीज़ों के, बल्कि वो इन्वॉल्व होंगे। वो क्या होंगे? इन्वॉल्व होंगे। सेफ्टी ऑडिट्स पे हम आए, सेफ्टी ऑडिट्स के ऊपर आगे भी डिस्कशन होनी है, इसके अलावा ISO 45001 बड़े डिटेल्ड लेक्चर इसी चैनल के ऊपर मौजूद हैं, तो आप उन लेक्चर से फायदा बआसानी उठा सकते हैं। सेफ्टी ऑडिट्स में क्या जी? सिस्टमैटिक एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ ऑल सेफ्टी एक्टिविटी एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम टू डिटरमाइन द ट्रू स्टेट ऑफ अ कंपनी सेफ्टी परफॉर्मेंस। मतलब ये एक सिस्टमैटिक और क्रिटिकल, क्रिटिकल वो होता है जिसमें अच्छाई और बुराई दोनों चीजें जो है ना वो बतलाई जाए, ठीक है, सिर्फ एक चीज ना बताई जाए। तो सिस्टमैटिक और क्रिटिकल एग्जामिनेशन क्या करता है कि तमाम तर एक्टिविटीज जो हो रही हैं, वो देखते हैं कि भाई एग्रीड क्राइटेरिया क्या था, और काम किस तरह से हो रहा है, और किस जगह पे और क्या चीजें लैक हो रही हैं, तो वो आपका सेफ्टी ऑडिट होगा। ऑडिटिंग अगेंस्ट परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड फॉर सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, वो किन किन चीजों को सामने रखेंगे? पॉलिसी को सामने रखेंगे, ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग, मेरिंग परफॉर्मेंस रिव्यू, इन सब चीजों को सामने रखते हुए वो उसका ऑडिट परफॉर्म करेंगे। नॉर्मली स्कोर सिस्टम आर यूज, येस नो सिस्टम टू बी अवॉइडेड, ठीक है, इसमें डिटेल में बात की जाती है, येस नो इस तरह का चक्कर नहीं होगा। रिक्वायर्ड सर्टेन स्किल एंड कॉम्पिटेंसीज, स्किल और कॉम्पिटेंसीज रिक्वायर्ड होती हैं, इस तरह से आप सेफ्टी ऑडिट परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। इसमें आप D3 का लेक्चर है मेरा, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम 45001 के ऊपर, वो अगर आप
डिटेल में सुन ले तो आपको ये सारी कॉम्पिटेंसी स्किल्स और सारा कुछ आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा। वेरी टाइम कंज्यूमिंग, टाइम लगता है क्योंकि इसकी मुख्तलिफ फेज आती है, स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 इस तरह से स्टेजेस होती हैं, तो इससे ये टाइम टेकिंग प्रोसीजर है। रिक्वायर्स केयरफुल प्लानिंग, इंक्लूड डॉक्यूमेंट्स स्क्रूटनिंग एंड ऑब्जर्वेशन। हाँ, डॉक्यूमेंट स्क्रूटनिंग इसलिए लाजमी होती है कि हर डॉक्यूमेंट को उठा के एज एविडेंस यूज नहीं किया जा सकता, ठीक है, और स्क्रूटनिंग लाजमी है कि आया जो सोर्स डॉक्यूमेंट आया है डॉक्यूमेंट अथेंटिक भी है या कि नहीं। उसके बाद आता है जी सेफ्टी सर्वेज, द टर्म कैन बी यूज टू कवर अ वेरी डिटेल एग्जामिनेशन ऑफ, ठीक है, सेफ्टी सर्वे से आपने मुराद देखा है किसी चीज के बारे में जब किसी के राय वगैरह ली जाती है तो उसमें हम कंसिडर करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सेफ्टी सर्वे या सर्वे को किस तरह से जो है डिस्कस कर रहे हैं। द टर्म कैन बी यूज टू कवर अ वेरी डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ अ पर्टिकुलर सेफ्टी एस्पेक्ट, मशीन गार्डिंग, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट, प्रेशर सिस्टम, पावर प्रेसेस, ठीक हो गए सारे के सारे, न्यू आर रिफर्बिश्ड प्रीमिसेस प्लांट इक्विपमेंट प्रायर टू बीइंग कमीशन, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि सेफ्टी एस्पेक्ट, मशीन गार्डिंग, फायर फाइटिंग, तो इसके बारे में जब सर्वे होगा भाई ये सही काम कर रही है, आप ठीक कर रही है, कैसे कर रही है, फिर इक्विपमेंट का इसी तरह से जब आप करेंगे तो ये सेफ्टी सर्वे। ऑफन इंस्टिगेटेड आफ्टर प्रॉब्लम्स हैव बीन हाइलाइटेड बाय अदर मॉनिटरिंग टेक्निक्स, के ऑडिट शॉडिट से जब चीजें पता चलती है ना तो ऐसी सूरत में फिर सेफ्टी सर्वेज परफॉर्म किए जाते हैं, मेजरिंग परफॉर्मेंस अदर सोर्सेज। मैं अभी आपको बता चुका था कि अदर डाटा सोर्सेज पर परफॉर्मेंस मेजरमेंट या परफॉर्मेंस के जो रिव्यू लेते हुए जो इंडिकेटर वो क्या है, तो वही यहाँ पे और चीज़ें क्या हैं कि कौन कौन सा डाटा है जो हम परफॉर्मेंस मेजरमेंट के दौरान यूज कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास आता है एक्सीडेंट बुक एंट्रीज, ठीक है, एक्सीडेंट बुक रिकॉर्ड होता है, एक्सीडेंट बुक रजिस्टर होता है जिसके अंदर तमाम एंट्रीज होती हैं एक्सीडेंट्स वगैरह की, हेल्थ सर्विलेंस रिकॉर्ड, नियर मिस रिपोर्ट्स, एक्सीडेंट इंसिडेंट रिपोर्ट्स, इन्फोर्समेंट नोटिसेस। इन्फोर्समेंट नोटिसेस ये होते हैं कि जब कोई एक्टिविटी होती है इन्फोर्समेंट एजेंसी आके या उनके होने से कहीं दफा पहले भी मतलब अभी हुआ नहीं होता लेकिन वो सर्कमस्टांसेस देखते हुए भी नोटिस इशू कर देती है। सिकनेस एब्सेंस रिकॉर्ड, कंप्लेंट्स फ्रॉम स्टाफ, सर्वेज, प्रॉपर्टी डैमेज, इंश्योरेंस क्लेम हिस्ट्री वगैरह, ये सारे का सारा इसके अंदर आएगा। अब जी आ गया हमारे पास रिएक्टिव मॉनिटरिंग। रिएक्टिव मॉनिटरिंग में हमारे पास नियर मिस रिपोर्ट्स हैं, एक्सीडेंट रिपोर्ट्स हैं, मतलब जो चीज हो गई है उसके बाद, फर्स्ट एड रिपोर्ट्स, सिकनेस एब्सेंस, प्रॉपर्टी डैमेज रिपोर्ट्स, इंश्योरेंस क्लेम वगैरह, ये सारी चीजें रिएक्टिव में हमारे पास आएंगी। देन जी हमारे पास आता है इसके अंदर हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम HSD 65, जो हेल्थ एंड सेफ्टी गाइडेंस है 65, उसमें क्या है, देखिए, पॉलिसी, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग, मेजरिंग परफॉर्मेंस, रिव्यूइंग परफॉर्मेंस, और ये सारी किस तरह से हो रही है, ऑडिटिंग के थ्रू हो रही है, ठीक है। तो पॉलिसी डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, डेवलपिंग टेक्निक्स ऑफ प्लानिंग, मेजरिंग एंड रिव्यूइंग, फीडबैक लूप टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस, ये तमाम तर चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं सक्सेसफुल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। तो ये इसी तरीके से ये स्ट्रक्चर काम करना चाहिए, तो इसी सूरत में हम एक बेहतर हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इम्प्लीमेंट करने में कामयाब हो जाएंगे। इस लेक्चर में इतना ही, बहुत जल्द अगले लेक्चर 1A4 में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।